हाँ हाँ
ये जॉइंट हो जाएगा आवाज नहीं आएगा। तो बार ज्वाइंट होने नहीं देंगे ना, इसको जेब में डाल देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है। कहाँ तक आ रहा है बोर्ड? हाँ सबके लिए कर दो। चलो रहने दो। अच्छा वॉइस क्लियर है भैया ऑनलाइन में? यस ओके। सर, कल का ऑडियो नहीं है ना, वॉइस नहीं है ना कल का जो इंटरव्यू में डाले थे। हाँ वो कल वाले में नहीं था एक्चुअली, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ये हेडफोन मैंने नीचे रखा हुआ था और दोनों एक साथ क्लंप हो गए हेडफोन, और उस वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। तो जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं उनसे आप नोट्स बना लीजिए, जो चीजें समझ में ना आए उसको आप डिस्कस कर लीजिए क्लास में आके। ठीक चलो भाई, हो गया भैया, हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है पढ़ना शुरू करें भैया। चलिए बंद कर दो भाई उसको, थोड़ा सा बंद कर दो। वो ऐसे क्यों ऑफ है? एज पर प्रोटोकॉल या फिर आपने जानबूझ के किया? प्रोटोकॉल तो रहने दो भैया, है ना। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? जीन थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे, है ना। इस चैप्टर में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जहां से सवाल आते हैं बार बार, तो जीन थेरेपी उनमें में से एक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन या हेल्थ केयर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आपके पास कितने थे? तीन। पहला कौन सा था? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? डायग्नोस्टिक्स। और तीसरा है जीन थेरेपी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पूरा पढ़ा दिया आपको और डायग्नोस्टिक पूरा पढ़ा दिया आपको। अब बचा हुआ है कौन सा? एक, जीन थेरेपी आज पढ़ेंगे और आज आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर बात है भैया? तो लेट्स स्टार्ट विद द जीन थेरेपी। बातें नहीं भैया, बिल्कुल भी एकदम से चुप हो जाइए भैया आप लोग, है ना। बहुत देर से बातें आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, तो बातें बंद करिए और सिर्फ पढ़ाई करना शुरू करिए, ठीक है ना। जीन थेरेपी, देखो भाई जीन थेरेपी के बारे में पढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे डिसीजेस के बारे में, कितने टाइप की डिसीज मैंने आपको पढ़ाई है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी? इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, और दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड, ये ना यही वाली की जरूरत है हमें यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली डिसीज दो टाइप की होती है, एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है कौन सी? कॉन्जेनाइटल, है ना। एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती है जो आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हो, है ना, जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के बाद जब आप बीमार पड़ते हो वो है एक्वायर्ड डिसीज। जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कॉलरा हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये सब एक्वायर्ड डिसीजेस हैं, और इन डिसीजेस को आप आसानी से मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन
जो दूसरी नंबर की डिसीज है वो कौन सी है? कॉन्जेनाइटल डिसीज। कॉन्जेनाइटल का मतलब बाई बर्थ मिली है, और बाई बर्थ में आपको मिलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये सारी चीजें जो हैं, ये कौन सी है? कॉन्जेनाइटल डिसीज है। एंड दीज डिसीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाई मेडिसिन। इनको आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हो, इनको ठीक करने का तरीका है जीन थेरेपी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको हमेशा से बोला है, ऑलवेज जो आपको पढ़ने का थीम है वो यही होगा कि कोई चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। तो इसकी वजह है जीन थेरेपी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि कॉन्जेनाइटल डिसीजेज आर नॉट ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन, दे नीड टू बी ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, एंड दिस काइंड ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। यही आज हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आप ये लिखिए भैया, डिसीज लिखिए और उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। डिसीज दो टाइप की होंगी। पहला जो डिसीज है आपके पास वो है एक्वायर्ड एंड द सेकेंड वन इज कॉन्जेनाइटल। बातें नहीं भाई, मैं बार बार मना कर रहा हूं, आप लोग की बातें नहीं बंद हो रही हैं, कुछ मत पूछो, है ना। एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनाइटल दो टाइप की डिसीज है आपके पास। फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड, सेकेंड वन इज कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड में आप एग्जाम्पल लिखिए भैया, एक्वायर्ड में आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो दो तीन लिख लो भैया, टाइफाइड लिख लो, मलेरिया लिख लो। ठीक है, कॉन्जेनाइटल कौन सी है भैया? कॉन्जेनाइटल डिसीजेज होती हैं बाई बर्थ, बाई बर्थ। दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल में लिखेंगे भैया, कितने हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, एक दो लिख के छोड़ दीजिए, जैसे डाउन्स सिंड्रोम। सुना है कभी इसके बारे में? डाउन्स सिंड्रोम। एंड दूसरा कौन सा है? हीमोफीलिया। बहुत सारे हैं भाई, दो मैं लिख दे रहा हूं, हीमोफीलिया। ठीक है, तो बेसिकली आपने डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, द फर्स्ट वन वॉज एक्वायर्ड एंड द सेकेंड वन वॉज कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड डिसीजेज वेयर दोज डिसीजेज जो आप अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हो, अक्वायर करते हो, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अचीवमेंट, यू नो, अचीवमेंट है या बीमारी भी अगर आप अपने पास बुला रहे हो, ये कोई आसान काम थोड़ी है। इसके लिए आपको गंदा बनना पड़ता है, इसके लिए आपको नहाना छोड़ना पड़ता है, इसके लिए आपको बैक्टीरिया वायरस से दोस्ती करनी पड़ती है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अचीवमेंट, है ना। तो ये एक्वायर करोगे आप अपने लाइफ टाइम में। मलेरिया, जाहिर सी बात है भैया, मलेरिया अगर आपको हुआ इसका मतलब आप गंदे हो। हाँ, आपके आसपास भैया अगर स्टैग्नेंट वाटर है ना, तभी तो वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहां पे प्लाज्मोडियम का ब्रीडिंग ग्राउंड है, तभी तो वहां से वो पहुंचा आपके पास, तो जाहिर सी बात है भैया आप गंदे हैं। ठीक है, तभी आपको मलेरिया हुआ है। और टाइफाइड अगर आपको हुआ है तो फिर तो पूछो मत भैया, गुपचुप आप खा रहे हो खूब मन लगा के, है ना। ठीक, तो ये सब एक्वायर्ड है। और जब ये सब होती है आपको भैया, तो क्या कभी ऐसा हुआ भैया कि आपको मलेरिया हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपसे कहा, ओ माय गॉड ये तो बहुत लेट हो गया, कभी ऐसा हुआ? हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये मेडिकेशन से ट्रीट हो सकती है। लिखिए भैया, कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन। एक्वायर्ड में लिखिए कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन। Can be treated by medicine. Congenital में क्या लिखेंगे भैया? Congenital में लिखेंगे can only be treated by replacing the abnormal gene. Can only be treated by replacing the abnormal gene by using
बाई यूजिंग जीन थेरेपी, ये वजह है जीन थेरेपी पढ़ने की। अगर कोई पर्सन बॉर्न विथ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर देन दिस कैन ओनली बी ट्रीटेड बाई यूजिंग जीन थेरेपी। ठीक है, तो ये वजह है जीन थेरेपी पढ़ने की। ठीक है, तो व्हाट इज जीन थेरेपी? दिस इज बेसिकली ए मेथड या ए कलेक्शन ऑफ मेथड इन विच वी रिप्लेस द एबनॉर्मल जीन बाय ए नॉर्मल जीन। ऑलवेज रिमेंबर रिप्लेस, कभी ये मत कह देना कि एबनॉर्मल जीन को ठीक करके नॉर्मल जीन कर दिया, है ना, नहीं तो आप भगवान की कैटेगरी में आ जाओगे। एबनॉर्मल जीन को ठीक करना इंसानों के बस की बात नहीं है, आप बस उसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना, और रिप्लेस करोगे किस मेथड से? जीन थेरेपी से। तो जीन थेरेपी में एक्चुअली आप करते क्या हो भैया, एक लाइन में लिखेंगे आप एबनॉर्मल जीन, एबनॉर्मल जीन, एरो लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करेंगे आप? जीन थेरेपी से। हाँ हाँ, वही आगे चलता रहा भैया, आप आगे कंटिन्यू रखो, लगातार पूरे लेक्चर भर कंटिन्यू रखेंगे आप इस चीज को। कॉन्जेनाइटल में नहीं भैया, अलग से, वो बातें खत्म हो गई। जीन थेरेपी इनटू ए नॉर्मल जीन, आपने एक एबनॉर्मल जीन को जीन थेरेपी की प्रोसेस का इस्तेमाल करके कन्वर्ट किया या फिर चेंज किया या फिर रिप्लेस किया किसमें? नॉर्मल जीन में। क्लियर, दिस इज जीन थेरेपी, दिस इज जीन थेरेपी। ठीक है, एक लाइन आप इसमें लिख लो भैया, लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, कलेक्शन ऑफ मेथड्स, कलेक्शन ऑफ मेथड्स, कलेक्शन ऑफ मेथड्स विच अलाउ अस, which allow us to deliver a normal functional gene, to deliver a normal functional gene which take over the functioning of, which take over the functioning of non-functional oblique abnormal gene, non-functional or abnormal gene, ठीक है, take over the functioning of non-functional oblique abnormal gene, ठीक है, एक ऐसा method या ऐसे मेथड का एक कलेक्शन जिसका इस्तेमाल करके आप एक नॉर्मल फंक्शनल जीन को डिलीवर करोगे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो वहां पर जाकर नॉन फंक्शनल या एबनॉर्मल जीन को रिप्लेस करके उसकी फंक्शनिंग को टेक ओवर कर लेगा। दिस इज जीन थेरेपी। क्लियर वेल, यही है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी का एक केस आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। सबसे पहली बार जो जीन थेरेपी हुई वो आपके सिलेबस में है, वो आप पढ़ेंगे। लिखिए फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। सबसे पहली जीन थेरेपी का जिक्र हम करेंगे जो आपके सिलेबस में फुल डिटेल में है भाई। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, थोड़ा सा आप सुनेंगे भैया, देन उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। देखें क्या है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। 1990 में एक 4 साल की बच्ची को फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी दी गई थी। 1994 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड
गर्ल पे फोकस कर रहा हूं मैं, ध्यान देना आप, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि नीट यूजी का कोई स्टेटस कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। एक बार उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ऑप्शन में लिखा हुआ था इन 1990 ए 4 ईयर ओल्ड बॉय वॉज एडमिनिस्टर्ड विद द जीन थेरेपी, है ना, और यही गलत था, गर्ल की जगह पे उन्होंने बॉय कर दिया था। ठीक है भैया, तो आप याद रखोगे 1990 में 4 साल की एक बच्ची के ऊपर सबसे फर्स्ट टाइम किया गया था क्या, जीन थेरेपी। ठीक है, क्यों किया गया था, आपने पहले बोल दिया जीन थेरेपी का मतलब उसके अंदर कोई एबनॉर्मल जीन है जिसको आप नॉर्मल जीन से रिप्लेस करोगे। तो इस बच्ची में जो प्रॉब्लम थी उसका नाम है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, इससे पहले आप एक इम्यूनो डिफिशियंसी पढ़ चुके हो, एड्स, उसमें सिर्फ इम्यूनो डिफिशियंसी था, तो वहां पे किस चीज की कमी हुई थी, टी लिम्फोसाइट्स की, किसकी, टी लिम्फोसाइट की। यहाँ पे आप बोल रहे हो कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ पे कंबाइंड है मतलब यहाँ पे टी के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की भी कमी हो जाएगी। तो इन 1990 4 ईयर ओल्ड गर्ल सफरिंग फ्रॉम SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसी के ऊपर पहली बार जीन थेरेपी की गई थी। SCID में बी एंड टी लिम्फोसाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, और वहां पे मैंने आपको बताया था भैया कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूंगा मैं कि इम्यूनिटी डायरेक्ट बी और टी लिम्फोसाइट से नहीं है, बी और टी लिम्फोसाइट एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेस। क्या नाम है, एडिनोसिन डी एमिनेस, और ये जो एडिनोसिन डी एमिनेस है शॉर्ट में ADA बोलते हैं, यही ADA वाला जो जीन है वो एबनॉर्मल था उस 4 साल की बच्ची में। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे भैया इस चीज को, आप बोलोगे ADA एबनॉर्मल जीन। ठीक है, ओवरऑल आपको पता है कि SCID हुई, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हुई, बी और टी लिम्फोसाइट की डिफिशियंसी हुई, और अल्टीमेटली किसकी डिफिशियंसी हो गई, ADA जीन की, एडिनोसिन डी एमिनेस जीन की डिफिशियंसी हो गई। और ये जो ADA जीन है, ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डी एमिनेस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। अब उसके पास ADA जीन एबनॉर्मल था तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था। ठीक है, यही है कौन सा, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द जीन थेरेपी, कि हमने कैसे जीन थेरेपी करके इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, लिखें फर्स्ट, हाँ पढ़िएंगे आगे तब पता चलेगा ना भाई सक्सेसफुल हुआ या नहीं, ट्रीटमेंट पे आएंगे फिर आपको पता चलेगा वेदर इट वॉज सक्सेसफुल और नॉट। लिखिए फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, पहली बात लिखेंगे 1990 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 1990 4 ईयर ओल्ड गर्ल सफरिंग फ्रॉम क्या प्रॉब्लम थी इसको, SCID फुल फॉर्म लिखेंगे सीवियर, ये NCERT में नहीं लिखा है, NCERT में उन्होंने डायरेक्ट ADA लिख दिया, उन्होंने SCID का जिक्र नहीं किया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हुई, और कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब भैया डिफिशियंसी ऑफ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, डिफिशियंसी ऑफ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट,
आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे भैया, और आप क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी. दैट मीन्स इस 4-year-old गर्ल चाइल्ड में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होगा, बहुत ज्यादा. ये है पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी केस. 4 साल की बच्ची, 1990 का ये जिक्र कर रहे हैं, SCID डिसीज यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज से बीमार थी, जिसमें दोनों बी और टी लिम्फोसाइट भैया डिफिशियंट थे, और इसकी वजह से एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं था जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए. अच्छा, डी एमिनेज की स्पेलिंग में मैंने भैया यहाँ पे ई का कलर चेंज कर दिया, क्यों, वाई, मुझे अच्छा लग रहा था इसको लिपस्टिक लगा देना, गलती से कर दिया ना भैया, क्योंकि पेन जब ऐसे खोला तो गलती हो गई. आपको जान के ये खुशी होगी कि ये गलती नीट यूजी में हो चुकी है ना. उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पॉन्स टू द जीन थेरेपी, कौन सी बात पहली जीन थेरेपी के लिए गलत लिखी हुई है. 4 ऑप्शन लिखे हुए थे और 4 के 4 सही लिखे हुए थे, एक भी उसमें गलत नहीं था. पता है क्यों, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही थे और 4th ऑप्शन में लिखा था एडिनोसिन डाई एमिनेज, ई की जगह पर आई लिखा हुआ था, ई की जगह पर आई लिखा हुआ था, और मेजॉरिटी आप 99% बच्चों ने तो नोटिस ही नहीं किया, और जो 1% ने नोटिस किया वो उसने इसलिए छोड़ दिया कि इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ई की जगह पर आई हो गया, या उसको खुद के ऊपर डाउट हो गया होगा कि आई ही तो नहीं था, मैंने ही ई पढ़ा था, है ना, यही होगा आपके दिमाग में क्या आएगा, कहीं वो आई ही तो नहीं था, मैंने ई पढ़ लिया होगा, है ना, यही दिमाग में आया भैया, और यहां से गलती हुई, किसी का भी सही नहीं हुआ. हाँ, ये घटिया सवाल नहीं है भैया, ये अच्छा सवाल है ना. एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, देखना पड़ेगा, मैं आपसे पूछूंगा टेस्ट में, टेंशन ना लीजिए, है ना. तो ये सवाल उन्होंने पूछा भैया, और उन्होंने लिखा एडिनोसिन डाई एमिनेज, तो याद रखना वो डाई एमिनेज नहीं है, वो डी एमिनेज है, क्लियर. एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी की वजह से भैया ये समस्या आई थी. ये है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी का पूरा केस आपके सामने, डन भैया, ये समस्या है. अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लिखिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, इलाज करने चल रहे भैया हम लोग, चार तरीके आपके सिलेबस में दिया हुआ है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, फोर, चारों हम एक एक करके जिक्र करेंगे. फर्स्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लिखो भाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रीटिंग द एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी. अच्छा, ये सब चीजें मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं लिख लिख के बोल बोल के बता बता के
थक चुका हूं और आप लिख लिख के थक चुके हैं कि अगर एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी है तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन डिफेक्टिव है ना। अगर बी और टी लिम्फोसाइट की कमी है तो बी और टी लिम्फोसाइट बनाने वाला जीन डिफेक्टिव है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम जो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे वो इस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके नॉर्मल जीन लेकर आएगा। ये नॉर्मल सी बात है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना। आपको पता भैया जो बोन मैरो सेल्स होती है सारी ब्लड सेल्स वहीं पे बनती है, सारी की सारी ब्लड सेल वहीं पे बनती हैं भैया। तो आप क्या करोगे, आप सीधे उस पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दोगे। लेकिन एक शर्त है, बोन मैरो किसका लाओगे, फादर का या मदर का, पेरेंट्स का होना चाहिए, और किसी का बोन मैरो मत लेकर आइएगा। आगे बता रहा हूं ना भैया, वही मैं बात बच्चा हुआ मतलब हाँ मतलब क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, है ना। बोन मैरो आप लेकर आएंगे, आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उसको क्या करेंगे भैया, रिप्लेस करेंगे नॉन फंक्शनल एडीए जीन को बाय द फंक्शनल एडीए जीन। ऑटोमेटिक भैया फंक्शनल हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बोन मैरो सेल्स जो है भैया वो इमॉर्टल तो नहीं है, दे हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन। कुछ समय के बाद वो बोन मैरो सेल्स की डेथ होगी और उसके पास जो होगी वो अपनी बोन मैरो है, उसके थ्रू तो काम चलना नहीं है। तो ये एक टेम्पररी क्योर होगा, परमानेंट नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा और एक बार ही नहीं हो पाता बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए परमानेंट क्योर, ठीक है। लिखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में आप लिखिए, bone marrow cells of parents transplanted in patient, आगे लिखेंगे भैया, but these cells do have a definite lifespan, एक fixed life span है, after which they die, एक फिक्स समय के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। सो दैट मींस दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, इसका मतलब ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, दिस इज नॉट ए परमानेंट क्योर, ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। अगर ये आप करोगे तो इससे हमेशा के लिए आप बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाओगे, कुछ समय के लिए आप सही कर सकते हो लेकिन हमेशा के लिए बीमारी खत्म नहीं होगी। क्लियर है, जो वो भी तो कुछ टाइम के बाद, हाँ लेकिन वो उसके जीन में प्रॉब्लम है, तो जो नई सेल्स बनाएगा वो भी डैमेज्ड ही बनाएगा ना। तो ये था भैया पहला तरीका ट्रीटमेंट का, जो आपको पता चला कि परमानेंट नहीं है, कैसा है, टेम्पोररी है। सेकंड लिखिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। Enzyme replacement therapy. It's just like the hormone replacement therapy. जब किसी person को diabetes होती है तो आप उसको injection से insulin देते हो ना, yes. है ना, तो आप insulin एक hormone है, आप क्या कर रहे हो, आप hormone replacement therapy है वो, तो via injection आप क्या कर रहे हो, एक functional hormone उसके अंदर introduce कर रहे हो in case of diabetes.
तो यहां पर क्या करोगे आप, एंजाइम की डिफिशियंसी है तो आप उस एंजाइम को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे उसकी बॉडी में पेशेंट की। क्या डायबिटिक पेशेंट एक बार इंसुलिन लेकर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है? हमेशा उसको लेना पड़ता है। दैट मींस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए टेम्पोररी क्योर। लिखिए सेकेंड, दूसरे नंबर पर लिखिए भैया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी लिखिए इसमें, फंक्शनल एंजाइम directly given to patient via injection। एक injection से आप direct enzyme अंदर डाल दोगे उस patient के, और आपको पता है ये आपको फिर बार बार करना पड़ेगा क्योंकि एक फिक्स लाइफ स्पैन की, एक फिक्स समय के लिए ही ये एलिजिबल होगा। लिखिए भैया, दिस इज आल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर। दिस इज आल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर, ये भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर। क्लियर बात है भाई? तो फिर तीसरे नंबर पे आइए, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे जीन थेरेपी। थर्ड जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है जीन थेरेपी। आपने पहले क्या कोशिश की, आपने पहले कोशिश की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से चीजों को बेहतर बनाने की, लेकिन आपको पता चला कि इससे आप कुछ समय के लिए ही रोक सकते हो, मामला हमेशा के लिए नहीं हो सकता। देन आपने क्या किया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की, इससे भी मामला कुछ समय के लिए ही रुका, हमेशा के लिए नहीं रुका। ठीक है, देन आप मूव हुए किसकी तरफ, जीन थेरेपी की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जीन थेरेपी में आप क्या करोगे, सुन लीजिए पहले भैया। जीन थेरेपी में सिंपली आप क्या करोगे, आप उस 4 ईयर ओल्ड गर्ल का जो लिम्फोसाइट है, वहीं पे तो प्रॉब्लम है, तो आप लिम्फोसाइट बाहर निकालोगे, है ना, उसको एडमिट करोगे लैब में, उसका हॉस्पिटल के लैब से उसका लिम्फोसाइट बाहर निकालोगे, और आपको पता है उसके लिम्फोसाइट में एबनॉर्मल जीन है, जो एडीए जीन है वो एबनॉर्मल है। आप क्या करोगे, आप उसके लिम्फोसाइट में एक फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस करोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस करोगे। वेक्टर क्या इस्तेमाल करोगे आप, रेट्रोवायरस या फिर एटी रेट्रोवायरस, क्यों, क्योंकि वो एनिमल सेल है। तो बाय यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए, फंक्शनल एडीए का मतलब समझ रहे हो, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो बाय यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट ऑफ द गर्ल। अब आपके पास जो लिम्फोसाइट है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, उसमें फंक्शनल एडीए जीन है, आप उसको वापस उस गर्ल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, अब वो लिम्फोसाइट जाएगा और जाकर नॉर्मल एडीए प्रोड्यूस करेगा और उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। क्या ये एक परमानेंट क्योर है, है ना भैया, परमानेंट क्योर है ना भैया। लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है प्यारे बच्चों, लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, लाइफ टाइम 120, ठीक है, मैक्सिमम 5 दिन, 7 दिन, या बहुत ज्यादा मान लिया तो 10 दिन, है ना भैया, लेकिन इतना भी होती नहीं है, बहुत कम, लेस देन 1 वीक है लाइफ स्पैन किसकी, लिम्फोसाइट्स की।
तो फिर ऐसी कंडीशन में जब आप ये इतना सब कुछ करके उसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे वो लिम्फोसाइट, तो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन नॉर्मल एडीए बनाएगा। उसके बाद उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट की डेथ हो जाएगी और उसके अंदर बनेगा उसका नेचुरल वाला लिम्फोसाइट जो नॉन फंक्शनल एडीए जीन कैरी करेगा। समस्या जस की तस बनी रहेगी। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ए परमानेंट क्योर। ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, लिखिए पहले, फिर ढूंढेंगे परमानेंट क्योर भैया, है ना, हार नहीं मानेंगे। लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट बनेगा, लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट थोड़ी बनेगा। लिम्फोसाइट बनाने वाला जो जीन है वो बनाएगा, और जीन आप जीन लेवल पे छेड़खानी नहीं कर रहे हो ना, आप डायरेक्ट लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। जीन उसका अपना नॉर्मल है ना, वो जब भी प्रोड्यूस करेगा वो वही लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा जिसमें एडीए डेफिशिएंसी वाले जीन होंगे, है ना। वो आप चेंज नहीं कर रहे, उसमें चेंजेस करोगे तो वही तो जीन थेरेपी है ना भैया। आ जाओ, जीन थेरेपी बातें मत करो भैया, लिखो। जीन थेरेपी में आप सबसे पहले क्या करोगे भैया, मैं यहां पे एक गर्ल चाइल्ड बना रहा हूं, लुक एट दिस। ठीक भैया, नहीं ठीक है, इससे ज्यादा नहीं सजाएंगे, ठीक है ना, इतना बहुत है भैया। ठीक है, ये कौन है, ये है ना भैया, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। मैं बार बार लिख रहा हूं भैया, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। वो सवाल पूछेंगे इसको 5 साल का कर देंगे, है ना। हाँ ध्यान देना, वो सवाल पूछेंगे इसको 5 साल का करके कहेंगे कौन सी बात गलत है, और जब आप लौट के आओगे तो आप कहोगे ये कौन पूछता है, 4 साल की थी कि 5 साल की थी, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, अगर लड़का लड़की से फर्क पड़ा है तो 4 साल 5 साल पे भी फर्क पड़ जाएगा। तो भैया आप ध्यान देना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, इसका आप लिम्फोसाइट निकालोगे, लिम्फोसाइट विथड्रॉन, लिम्फो साइट विथड्रॉन। और ये लिम्फोसाइट निकाला आपने, सपोज करिए ये लिम्फो साइट की सेल्स हैं, ठीक है ना, और इसके लिम्फोसाइट में क्या होगा, इसके पास एबनॉर्मल एडीए जीन होगा। मान लीजिए ये एबनॉर्मल एडीए जीन इसके लिम्फोसाइट में है, एबनॉर्मल एडीए जीन, ये भैया यहां पे लिख लेना, ये जो एडिनोसिन डी एमिनेज है इसी को एडीए बोलते हैं। 60 में एडिनोसिन डी एमिनेज का ही शॉर्ट नेम क्या है, एडीए, ठीक है ना। तो इसके पास एबनॉर्मल एडीए जीन था। अब भैया इसके आगे आप जेनेटिक इंजीनियर बहुत पुराने हो, है ना भैया, 15-20 दिन पुराने जेनेटिक इंजीनियर आप हो। अब भैया आप क्या करोगे, अब आप एक रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करोगे, यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर, एक रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर, यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर, ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए, ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट, इस बच्ची के लिम्फोसाइट में आपने एक फंक्शनल एडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस किया बाय यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर। अब ये ऐसा दिखेगा भैया, ये लिम्फोसाइट अब ऐसा है। अब इसके पास जो जीन है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप भी चेंज कर देना भैया। अब इसके पास जो जीन है वो कुछ ऐसा है भैया, यानी अब इसके पास एक फंक्शनल
फंक्शनल एडीए जीन है, क्या है? फंक्शनल एडीए जीन, फंक्शनल एडीए जीन है। अब आप क्या करोगे भैया, इस फंक्शनल एडीए जीन को वापस लाकर इस गर्ल चाइल्ड में इंट्रोड्यूस कर दोगे भैया फिर से, है ना, उस फंक्शनल एडीए जीन को ले जाकर उस गर्ल चाइल्ड को वापस दे दोगे। अरे यहां पर तो बहुत खतरनाक दिख रही है, ऑनलाइन वाले डर ना जाएं। ठीक भैया, दिस इज जीन थेरेपी, ऐसे आप जीन थेरेपी करोगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आप उसको हॉस्पिटल में लैब में लेकर जाओगे, उसका लिम्फोसाइट निकालोगे जिसमें एबनॉर्मल एडीए जीन होगा, उसमें आप रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके एक फंक्शनल एडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस करोगे, और फिर उस फंक्शनल एडीए सीडीएनए कैरी करने वाले लिम्फोसाइट को वापस उस गर्ल में इम्प्लांट कर दोगे, फिर से वापस भेज दोगे। ठीक है भैया, बट इसके आगे आप लिखोगे भैया ये बात,